नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और आज मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ जो लोगो गुरु हैं मिस्टर सुधीर कोवे उनके साथ का। सुधीर जी से मेरी पहली मुलाकात कुछ महीने पहले हुई थी पुणे में, एक सेशन में हम लोग मिले। तो पहली ही बार में जब मुझे पता चला उनके बारे में तो मैंने उनसे पूछा, मेरा हैंड राइटिंग उनको दिखाया। उसके बाद जो उनने कुछ बातें बताया उसको सुन के मैं तो सरप्राइज रह गया। मतलब कि कोई इंसान जो पहली बार मुझे मिल रहे हैं और मेरे हैंड राइटिंग देख के मेरे पास्ट, मेरे करियर, मेरा हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें जो बता सकें, वो तो समथिंग मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये अमेजिंग था। क्योंकि इसके पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी और बहुत चीज़ों के बारे में सुना था, बट हैंड राइटिंग के थ्रू जानना ये मेरे लिए पहला अनुभव था। उसके बाद में उनने मुझे कुछ एडवाइस भी किए, करेक्शन भी बताए हैंड राइटिंग में क्या करना है, वो मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अच्छा, दूसरा मेरे लिए जो सबसे एक्साइटिंग और बहुत ही सरप्राइजिंग था कि कॉन्स्टिपेशन और हैंड राइटिंग का भी रिलेशन हो सकता है। मतलब कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उसमें अपने हैंड राइटिंग में कोई पर्टिकुलर लेटर, तो वो ठीक कैसे हो सकता है? या तो जब कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा तो हैंड राइटिंग में वो लेटर चेंज हो जाएगा, या लेटर चेंज करके करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। तो मैं उनसे टच में रहा, फिर बाद में मुझे मौका मिला कि उनको उनका जो ऑनलाइन क्लास चलाते हैं अपने जो उनके स्टूडेंट हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन करने का। तो उनको भी मैंने हैंड राइटिंग भेजा मेरा, और जो स्टूडेंट लोग हैं जो कि मुझे कभी नहीं मिले, न तो मैं उनको पहले कभी जानता न वो मुझे कभी जानते हैं, पहली बार हैंड राइटिंग देख करके उन लोगों ने भी एनालिसिस किया सभी ने, और हर किसी ने जो भी पॉइंट बताया सभी करेक्ट था। तो ये इसमें मेरा इंटरेस्ट और बिलीव बढ़ गया कि हैंड राइटिंग एनालिसिस जैसी भी कोई चीज़ होती है। और उसके बाद फिर उनने और भी मुझे एडवाइस किए हैं, वो सब चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ हैंड राइटिंग में। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसके थ्रू कि किसी के लिए जानना अपने बारे में साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू, ऐसा नहीं कि किसी अजम्पशन बेस्ड, ये साइंटिफिक अप्रोच है जो मैंने समझा कि जो अपना थॉट प्रोसेस होता है उसके हिसाब से वेव्स जनरेट होता है और हाथों के थ्रू हमारा राइटिंग में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये साइंटिफिक अप्रोच है जिसके थ्रू मैंने समझा, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है किसी को भी अपने बारे में जानने के लिए। प्लस अगर किसी का इंटरेस्ट है जो कि हैंड राइटिंग सीख के समझ के उसमें और लर्न करके रिसर्च करके वो भी एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, तो सुधीर जी का क्लासेस चलता है खुद का किसी का एनालिसिस करने के लिए, प्लस वो ट्रेन भी करते हैं लोगों को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ मुझे पता चला है, तो यही मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। और मैं सुधीर जी का धन्यवाद बोलता हूँ क्योंकि उनने बताया और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और मैं अपने आप को और भी बेहतर बना सकता हूँ। तो सुधीर जी थैंक यू, और आपके जो टीम है उनके लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।